ही साधेवा कालेन फलते तीर्था सद्यः साधु समागमः सद्यः साधु समागमः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते चन्द्रः सर्वत्र वन्दते बन्दहु गुरुपद पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा बन्दहु गुरुपद पदों सुबास सरस अनुराग अमीय मूरिमय चूरन चारु समान सकल भव रुजे सकल भव रुजे परिवारो अमीय मूरिमय चूरन चारु अमीय मूरिमय चूरन चारु आदि में बुनियाद तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध कबीरा संगति साधु की ज्यों गंधी को बास गंधी कुछ देवे नहीं तो भी वास सुबास गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शति कोटि प्रणाम हमारा है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शति कोटि प्रणाम हमारा है मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है मेरी नहीं
ठंडी जब हमें कपा देती, आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है, मुझसे कान तुम्हारे जोर से गाइए, अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है, मुझसे कान तुम्हारे अधेरों की दे जाती बड़ा सहारा है, मुझसे कान तुम्हारे अधेरों की दे जाती बड़ा सहारा है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में सत कोटि प्रणाम हमारा है, भगवान तुम्हारे जोर से चरणों में सत कोटि प्रणाम हमारा है, मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है, मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है, कबीर तुम्हारे चरणों में हे राम तुम्हारे चरणों में, कबीर तुम्हारे चरणों में हे राम तुम्हारे चरणों में, सत कोटि प्रणाम हमारा है, सत कोटि प्रणाम हमारा है, सत कोटि प्रणाम हमारा सत कोटि प्रणाम हमारा है, बोलिए सदगुरु भगवान की जय। प्रोतस्मरणीय पूज्यपाद आत्म बोध देने वाले सदगुरु श्री क्षमादेव जी के पवन चरणों का आशीष लेकर हिंदुस्तान की भक्ति भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट खरगोन खंडवा के मध्य विभिन्न निकायों के सहयोग से हजारों नर नारियों के योगदान से क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से कालू बाबा की कृपा से खुशियालेश्वर महादेव की अनुकंपा से सुखद सत्संग कथा में हम और आप प्रवेश करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे, संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा धर्म के पथ पर चलकर
संस्कारों की संपदा को एकत्र करने वाले श्रोता बंधु, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, शांति व्यवस्था विशेष रूप से बनाए रखें, बच्चे बातचीत न करें, माताएं बहनें उदास ना बैठें, खुश होकर बैठें। पुरुष मंडल मुखमंडल को प्रसन्न कर ले, चिंता की रेखाएं दिखाई ना दे। हरिद्वार कुंभ मेले के लिए जिन्होंने गेहूं ला करके समर्पित किया है, प्रथम उनको व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। दो हजार कुंटल गेहूं की आवश्यकता है और 1000 कुंटल यहां दान आ गया है। आइडिया से बता रहा हूं। आरती का दर्शन जो भाई बहन करा रहे हैं उनको व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। आरती का दर्शन करके जो श्रोता नर नारी आरती की थाल में गौ सेवा के लिए राशि समर्पित कर रहे हैं, उनके घर में कभी दरिद्र ना आए ऐसा व्यास गादी शुभकामना कर रही है। बहुत से भक्तगण उज्जैन आश्रम के लिए भी दान कर रहे हैं, उनको भी व्यास गादी शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रही है। ताली बजा दिया को। इस बड़े समागम के लिए यहाँ की जो कमेटी है उसका मंडप वहाँ लगा है, वहाँ भी बहुत से लोग दान कर रहे हैं कि इसमें 2-4 लाख का खर्चा है, थोड़ा सहयोग देने की जरूरत कमेटी एहसास कर रही थी। कमेटी को बहुत लाभ मिलेगा। आज महिलाओं ने बीच का रास्ता समाप्त कर दिया है, मुझे इसी बात की चिंता है, कोई आना चाहेगा तो कैसे आएगा, जाम लगा दी है। साहिब बंदगी साहिब, प्यास लगे पानी पीने मत जाना, भूख लगे कुछ खाने भी मत जाना, नींद लगे तो सोना मत, दुख लगे तो रोना मत, जाने का मन हो तो जाना मत, लेटने का मन हो तो लेटना मत, हंसने का मन ना हो तो भी हंस देना, इतना कहना है। जिन्होंने उज्जैन आश्रम की सेवा के लिए खंभों में बंधे हुए दान डिब्बों में दान अर्पित किया है, महाकालेश्वर का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो, भैरव बाबा की कृपा मिले,
और छिप्रा में स्नान जब करें और सत्संग की गंगा में स्नान करें तो उनके सब पाप ताप संताप श्राप सब धुल जाएं और उनका जीव पवित्र हो जाए। अब मुझे इजाजत दो कि मैं सत्संग शुभारंभ करूं। तुलसीदास का नाम आपने सुना है। भगवान श्री राम के संबंध में राम कथा आपने सुनी है। भागवत कथा कई बार सुनने का अवसर मिला है। कबीर के दोहे भी आपके अंतःकरण पटल पर अंकित है। मीराबाई के पद श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक आपके अंतःकरण को झंकोरते रहते हैं। आइए मैं कुछ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, बीच बीच कहना ना पड़े। इधर बच्चे बहुत हल्ला मचा रहे हैं। कार्यकर्ता 10 कार्यकर्ता तो इनको चुप करने में लग जाए। ये ट्राली पे चढ़ते हैं कूदते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं, गुरुजी के ऊपर कूद सकते हैं। इसलिए जाओ कंट्रोल करो, प्रवचन बिगाड़ देंगे। कोई गया चाहिए वहां पहुंचिए। दरोगा जी एक फायर कर दो उधर, रिवॉल्वर से मारो, किसी के गोली न लगे, आकाश में करो। सही बंद आज 3 प्रश्न आपके बीच में रखूंगा। पहला प्रश्न, सदगुरु कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है। संसार तो एक ही है लेकिन देखने वाले अनेक लोग हैं, और जो भी इस संसार को देखता है वो सब अपने अपने ढंग से देखता है। जैसे मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं, मैं तो एक ही हूं लेकिन सबको एक जैसा दिखाई नहीं देता। ये जो 20,000 श्रोता हैं, ये 20,000 श्रोताओं को 20,000 तरह से मैं दिख रहा हूं। सबसे अलग अलग लिखित में मांग करो कि तुमने गुरुजी में क्या देखा, सब 20,000 उत्तर आ जाएंगे। कोई कहेगा हमको तो गुरुजी दिखाई नहीं दिए, हमें तो केवल गमला दिखाई दिया। कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किस राह पर जा रहा है, कुछ पता नहीं है। उसी को पता है कि मैं क्या देख रहा हूं, क्या सुन रहा हूं। तो कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि आपने इस दुनिया में क्या देखा है। तो कबीर साहब कहते हैं मैंने दुनिया में दुख देखा है। कबीर को दुख दिखाई दिया, और जिसको दुनिया में दुख दिखता है उसको दुनिया से वैराग्य हो जाता है।
और जिसको इस दुनिया में सुख दिखता है उसको इस दुनिया से मोह हो जाता है। याद रखना, जहां जहां तुम सुख देखते हो वहां वहां तुम मोहित होते जाते हो, और जहां जहां तुम दुख देखते हो वहां वहां से तुम दूर होते जाते हो। लेकिन ये भी याद रखना, दिखता है परंतु है कि नहीं है, ये भी बात संदेह भरी है। क्योंकि जो दिखता है कभी कभी वो नहीं होता है, दिखता तो है पर होता नहीं है। वैसा जल की जगह थल, थल की जगह जल, पंडों के भवन का जो आंगन था, तो जहां जल दिखता था वहां जल नहीं होता था, वहां थल था, और जहां थल दिखता था वहां जल होता था, वहां थल नहीं है। दिखता तो था कि जल भरा है लेकिन होता नहीं था जल, और जहां दिखता था थल है वहां जल भरा है। कई लोगों की धोती भीग गई, दुर्योधन की भी धोती भीग गई थी, तभी द्रौपदी ने कहा था अंधे के अंधे ही होते हैं। लेकिन द्रौपदी ने कह तो दिया ये बात कि अंधे के अंधे ही होते, लेकिन द्रौपदी को भी दिखता नहीं है, वो अंधे की नहीं है फिर भी अंधी है। को भी दिखना चाहिए कि किसको मैं कह रही हूं कि अंधे के अंधे होते। ये रिलेशन में मेरा जेठ लगता है, मेरे परिवार का रिश्ते में बड़ा व्यक्ति है, इसको मैं कैसे कहूं कि अंधे के अंधे होते। अंधे के अंधे कहने का मतलब है धृतराष्ट्र को भी गाली देना हो गया, और धृतराष्ट्र ससुर है और दुर्योधन जेठ है। अंधे के अंधे दुर्योधन को चोट लग गई। माना कि धृतराष्ट्र को नहीं दिखता था, लेकिन क्या दुर्योधन को भी नहीं दिखता था? हाँ, दुर्योधन को भी नहीं दिखता था, ये भी मानता हूं, क्योंकि द्रौपदी ने कहा है कि अंधे के अंधे होते हैं, तो मैं दुर्योधन को भी अंधा ही मान लेता हूं। लेकिन मुझे लगता है द्रौपदी भी अंधी ही थी, क्योंकि उसको तो दिखना चाहिए किसको मैं कह रही हूं अंधे के अंधे होते हैं। तू तो अंधी नहीं है, तेरे तो बहुत बड़ी आंख है, अपने इतने श्रेष्ठ और पूजनीय रिश्तेदार को अंधे के अंधे कैसे कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए, कम से कम उस पवित्र रिश्ते को तो देखना चाहिए, तो तुमको भी तो नहीं दिख रहा है, इसीलिए तो अंधे के अंधे कह रहे। हर चीज आंख से नहीं देखी जाती है, किसी भी चीज का स्वाद आंखों से नहीं दिखता है, वो जीभ से पता चलता है। शब्द जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये शब्द आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन कानों से पता चलता है कि गुरु जी को शब्द बोल रहे हैं। ये ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ये आंखों से नहीं दिख रही है, लेकिन आपकी त्वचा को स्पर्श करती है तो आपको एहसास होता है कि आज शीतल हवा चल रही है। कल थोड़ा उथल पुथल हवा थी, आज शीतल हवा है। जो कल की तरह कपड़े कम पहन कर आए हैं वे थोड़ा ठिठुर रहे हैं, क्योंकि मौसम की बदलती राहों में हम तुमको इशारा देते हैं। हम तो किनारा पा ही गए, अब तुमको किनारा देते हैं, अब तुमको किनारा देते हैं। मौसम का परिवर्तन जगत के परिवर्तन का संकेत दे रहा है, ये शरीर का भी परिवर्तन होता है। जैसा शरीर तुम्हारा बचपन में था आज वैसा नहीं है, जैसा शरीर जवानी में था फुदकता था उछलता था, अभी मैं देखता हूँ 14 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र के जो लड़के लड़कियाँ हैं वे चलते हैं तो थोड़ा सा फुदक कर चलते हैं, कूद कर चलते हैं,
उछल कर चलते, ठसक के चलते, लेकिन जो नर नारी 35 साल के हो गए वे थोड़ा शांति से पांव धरते हैं, जो 45 के हो गए तो थोड़ा समझ के चलते हैं, जो 55 के हो गए वे किसी का कंधा पकड़ना चाहते हैं, नहीं हिम्मत है। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, ये शरीर भी ढल रहा है, लेकिन इस शरीर के ढलने की चिंता नहीं है। ढलने दो इसको, कमजोर होने दो इसको, जर्जर होने दो इसको, बूढ़ा होने दो इसको, कोई चिंता नहीं है। मरने दो इसको, कोई चिंता नहीं है, लेकिन मरने से पहले उसको जान लो जो कभी नहीं मरता है, उसको पहचान लो जो मरने से भी नहीं मरता है, उसको समझ लो जिसको समझने के बाद कुछ भी समझना शेष नहीं रह जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर लो जिसका ज्ञान होने के बाद कुछ भी ज्ञान पाना शेष नहीं रहता है, वो है तुम्हारी परम पवित्र अजर अमर अविनाशी आत्मा। उस आत्म ज्ञान को मरने से पहले जान लो तो समझ लो ये जन्म मरण दोनों सार्थक होते हैं। जिनको जानने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला था, उस आत्म तत्व को नहीं जान पाए, न परमात्मा को जान पाए। महात्मा, परमात्मा, प्रेतात्मा, भूतात्मा, देवात्मा और जीवात्मा, आत्मा तो मुख्य है, आत्मा मूल बिंदु है। आत्मा कभी ये जीवात्मा की डिग्री पाता है, कभी महात्मा कहलाता है, कभी परमात्मा, कभी भूतात्मा, कभी प्रेतात्मा, कभी देवात्मा। भूत, ध्यान देना निरीक्षक, भूतात्मा, बहुत लोगों को भय है कि मरने के बाद भूत और प्रेत हो जाते हैं। कुछ आत्माएं, अभी आरती हो रही थी तो एक महिला ऐसे हाथ करके कूद रही थी, तो मैं भी सोच रहा था इसके ऊपर कालू बाबा आए हैं कि इसके ऊपर कोई भूत आत्मा आ गई है, कि प्रेत आत्मा आ गई है, कि कोई चुड़ैल आ गई है। और मैं सोच रहा था अभी तो अपने दोनों हाथ पकड़ कर ऐसे ऐसे कूदा रही है, कहीं ऐसा ना हो खुद ही कूद कर ऊपर आ जाए, डर भी लग रहा था, कुछ भरोसा नहीं है, दिमाग बिगड़ जाए तो कूद फांद कर दिया थे। अब ये क्या हो रहा था, न जाने कौन देवात्मा झकझोर रही थी उसको, ये ज्यादा प्रेतात्मा, भूतात्मा, चुड़ैल आत्मा, देवात्मा लेडीज के ऊपर ज्यादा आती है, उसको लहंगा साड़ी ज्यादा पसंद है, पुरुष पर कम आती है। सब कितनी लेडीज तो धड़ाम से गिर जाती है, न जाने क्या हो गया। लोग मुझसे कहते हैं देखो क्या हुआ, हमने कहा हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। ये सब क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। हनुमान चालीसा कहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और कितने लोगों का नाम ही महावीर है, खुद ही उनका नाम महावीर है, खुद ही पिशाच बने। महावीर जब नाम सुनावे, पहली शर्त तो ये है भूत होता है कि नहीं होता है, चुड़ैल होती है कि नहीं। बहुत सी स्त्रियां मर करके चुड़ैल बन जाती है, लेकिन कौन सी स्त्रियां चुड़ैल बनती हैं, आज इसको फाइनल कर दूंगा। ये समझ रही भैया, हमको बचा देना गुरुदेव। चुड़ैल मत बनाना।
नहीं, तुम पर तो इतनी तो कृपा करूंगा क्योंकि तुम सत्संग में आई हो, तो तुमको तो चुड़ैल बनने से मैं रोकूंगा, मदद करूंगा। लेकिन जो मरने से पहले जीते जी घर ही में चुड़ैल बनी है और अपने पति को चुड़ैल बनकर सता रही है, उनका कौन उपाय है? कुछ तो ऐसी भी स्त्री है, वो मरने से पहले ही जिंदा में ही चुड़ैल की तरह लग जाती है। उसका पति अधमरा हो गया क्योंकि रोज चुड़ैल लगती है। कुछ पुरुष भी ऐसा है, मरने के बाद तो भूत बनेगा कि नहीं बनेगा, पर जिंदा में ही भूत भावन बना पड़ा है, बिल्कुल भूत प्रेत है, न समय पर नहाता है न धोता है, बाल वाल भी सब खब्बड़ झब्बड़ लफड़। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बहुत आनंद आता है। मैं उत्तर प्रदेश में प्रवचन कर रहा था एक गांव में, गांव का नाम नहीं लूंगा, जिले का नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि वे भी प्रवचन सुनते होंगे तो दुख लग जाएगा क्योंकि बदनामी हो जाती है। तो एक सामने घर से परिवार मेरे पास आया, तो उस घर की जो माता जी थी वो बोली कि गुरुजी आप देख लो, हमारे घर में भूत चुड़ैल सब लगे हुए हैं। मैं 3 दिन से वहां रह रहा था, 3 दिन से देख रहा था। तो जो स्त्री थी सामने घर वाली, वो बहुत फूहड़ थी, फूहड़ हल्ला मचाती थी, गाली देती थी। तो उसने कहा मेरे घर में मेरा लड़का तो मर गया जहर खाकर, पति जी भी कहते हैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा, तो आप देख लो कौन आला बला है, कौन भूत प्रेत चुड़ैल लगी है। हमने कहा सबसे बड़ी चुड़ैल तो तुम खुद हो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा बहुत है। मैं 3 दिन से देख रहा हूं चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही, तो चिड़चिड़ी जो है वो चुड़ैल है, क्यों चिड़चिड़ाती हो? कोई चिड़िया थोड़े हो, चो 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 करती, शांति से बात क्यों नहीं करती? हमने कहा सबसे बड़ी चुड़ैल तुम हो, तुम्हारे कारण ही तुम्हारा बेटा मरा है और तुम्हारे चुड़ैलपना से ही तुम्हारा पति भाग जाएगा। तो बोले यदि मैं चुड़ैल हूं तो मेरा पति कौन है? मैंने कहा वो भूत है और कौन है। हाँ भूत है ये, इसको अकल ही नहीं है। मनुष्य का स्वभाव चुड़ैल का होता है, मनुष्य का नेचर भूत प्रेत का होता है, मनुष्य का स्वभाव और वाणी देवता की होती है, देवी की होती है, और मनुष्य का आचरण परम पवित्र परमात्मा का होता है, उसके महान कार्य ही उसको महात्मा बना देते हैं। इसलिए याद रखना मरने के बाद ना कोई भूत बनता है, ना चुड़ैल बनता है, ना प्रेत बनता है, जिंदगी में ही भूत प्रेत चुड़ैल सब बने रहते हैं। अपने भूतपना को चुड़ैलपना को मिटाइए, सत्संग की गंगा में स्नान कीजिए और सुंदर स्वभाव बनाइए, सुंदर परम पवित्र चरित्र बनाइए। देखिए आप जीते जी ना भूत हो, ना प्रेत हो, ना चुड़ैल हो, आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप जीवात्मा हो, आप परम पवित्र आत्मा हो, आपका घर स्वर्ग बनेगा। जोर से ताली बजाया करो। अब ये ताली ना बजाना ये सब भूतों के ही लक्षण है। हाँ मरे पड़े हैं सब भूत, ताली भी नहीं बजा रहे। अब इधर पीछे तो बहुत चुड़ैल है सब, ना ताली बजाती है ना कुछ एक्शन करती है। ताली बजाओ और हंसो तो तुम देवी हो, ये देवता हैं, तुम देवात्मा हो, गुरुदेव महात्मा हैं,
अब महात्मा और देवात्मा के बीच से परमात्मा का रास्ता निकलता है, परमात्मा का रास्ता निकलता है। ये जो अनाउंस हो रहा है इसको मना करो, जाकर सब बंद करें, दान पुण्य अब कुछ नहीं। कोई जाओ, कौन जा रहा? पटेल जाके अनाउंस वहां मना करो, डिस्टर्ब कर रहा, बिल्कुल बंद करा दो। और तुम लोग यहां छूटना तो सब रुपया वहीं फेंक देना जाकर। हाँ, कुछ रुपया कम पड़ रहा है इसीलिए बार बार बोल रहे हैं। तो अपन 20,000 लोग अगर 50-50 भी फेंक देंगे तो 20,000 को 50 से गुणा कर दो, 20-25, 100 कितना हो गया? ये गुणा पुणा भी कठिन काम है। 20,000 को 50 से गुणा करवा रहा हूँ, ये भी झंझट का काम है। 20-25, 100 हैं, 1,00,000। चलो 1,00,000 है कि 10,00,000 है पता नहीं, दे देना थोड़ा सहयोग कमेटी के लोग, क्योंकि तुमको तो सुनने को मिला, मेहनत भी नहीं पड़ी है, सस्ता काम अपना है। मनुष्य की जब मृत्यु होती है, पशु पक्षियों में कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं बनते, कोई नहीं। मैं कुत्तों को देखा हूं शमशान घाट में आधी रात को घूमते रहते हैं, न उनको चुड़ैल पकड़ती है, न भूत उनका मुंह दबाता है, न चुड़ैल उनकी पूंछ खींचती है। और कुत्ते को जहां चुड़ैल है वहीं वो लघुशंका करता है, और कुत्ते को ये पता भी नहीं मैं यहाँ क्यों घूम रहा हूँ, तो बुद्धू है ही है, शमशान घाट में घूम रहा रात में, कोई भूत प्रेत चुड़ैल उसको नहीं पकड़ता है। सब कीड़े मकोड़े घूम रहे उनको कोई नहीं पकड़ता है, पशु पक्षी बैल भैंसा गाय घूमते कोई नहीं पकड़ता है, लेकिन मनुष्य को भूत प्रेत चुड़ैल कैसे पकड़ देते हैं? बड़ा आश्चर्य, कौन सा अपराध किया, क्यों पकड़ते हैं? जब तुम्हारी मृत्यु होती है, ध्यान देना, जब तुम्हारी मृत्यु होती है शरीर आग में दफन कर दिया जाता है, आत्मा दूसरी जगह जाकर जन्म ले लेता है, तो तीसरी चीज बीच में कौन सी बची है जो भूत बनी है, जो प्रेत बनी है, जो चुड़ैल बनी है? कोई तीसरी चीज बची है? बोलते क्यों नहीं हो, नहीं बची है। तो चुड़ैल कैसे बन गई, क्या बन गया चुड़ैल? शरीर तो जलकर राख हो गया और इस आत्मा ने जाकर दूसरी जगह जन्म ले लिया। अब लोग कहते हैं जिनकी आत्मा अटक जाती है, भटक जाती है, लटक जाती है, वो बीच में भूत प्रेत चुड़ैल बन जाते हैं। तो ये तुमको कैसे पता चला कि इनकी अटक गई, लटक गई, भटक गई? ये कौन सी दूरबीन से तुम देखते हो? और जिसने ये कहा वो कैसे देखा है उसने? ये झूठी बात है। अटक कहाँ जाएगी? अटक क्या कोई ऊपर डाल है जो अटक टंग जाएगी इसमें? कोई अटकती वटकती नहीं है। शरीर का त्याग करते ही ये आत्मा अपने कर्म संस्कारों का बंडल लेकर जैसे इसके कर्म होते हैं उसी जगह पर जन्म लेती है। इसलिए कबीर साहब को एक भजन में पूछना पड़ा है कि आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां? बहुत बड़ा सवाल है ये। आए हो तुम कहां से, कोई बता सकता है? इस जीवन से पहले तुम किस जीवन में थे, कहां थे, किसके यहां थे, कौन बाप था, कौन माँ थी, कौन बेटा था, कौन परिवार था, कौन गांव था, कौन जिला था, किस तरह के आदमी थे, क्या करते थे, कुछ भी पता है? नहीं पता है। उसको कबीर पूछ रहे हैं कि आए हो तुम कहां से, तुम कहां से आए? और फिर ये पूछते हैं कि अब जाओगे कहां? ये बहुत लंबा लफड़ा है, अगर यही पता हो जाए तो काम फाइनल हो गया सब। कबीर साहब कहते हैं आए हो तुम कहां से, मुझे तो नहीं पता मैं कहां से आया हूं, तुमको भी पता नहीं है, भले ही तुम झूठ बोल दो, मैं
छिंडिया गांव से आया हूँ, छिंडिया से आकर गौलम पैदा हो, तो पता नहीं है आए हो तुम कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ। इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। अब ये बहुत कठिन सवाल रखा गया है, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। गा दो, दोहरा दो, मुस्करा दो, गाओ। बुद्धि बहुत कमजोर है, एक भी लाइन याद नहीं रहती, तुरंत भूल जाती। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल विचारे लो, इतना तो दिल विचारे लो, इतना तो दिल विचारे लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचारे लो, बस हो गया भजन। दो चीजें मैं बता दूंगा आपको कि आप स्वर्ग का सुख भोग कर आए हो कि नरक का दुख भोग कर आए हो, ये दो बातें बता दूंगा। स्वर्ग स्थिता नाम यही जीव लोक के चत्वारे चिन्हानी बसंत देहे दान प्रसंगो मधुरा चबाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च अत्यंत कोपा कटुका चबाणी दरिद्रता च सुजने सुबैरव नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्हानी देहे नरक स्थिता नाम। इसकी व्याख्या करूं कि आप समझ गए हैं, अर्थ बताऊं कि समझ गए? अर्थ बता दो। जो आत्माएं इस जीवन से पहले पूर्व जन्म में स्वर्ग में स्थित थी, अर्थात स्वर्ग जैसा सुख भोग रही थी, उनके जीवन में चार लक्षण होते हैं। नंबर एक, दान प्रसंग, वे आत्माएं दान करने में रुचि लेती है, धर्म के कार्यों में रुचि लेती है, सेवा कार्य में इंटरेस्ट लेती है, मंदिर बनाने में, आश्रम बनाने में, धर्मशाला बनाने में, सत्संग समागम कराने में, भंडारा करने में, दान पुण्य करने में उनको बहुत रुचि होती है। जिसको सेवा करने में रुचि हो, ध्यान देना संत महात्मा इधर बाबा, जिसको सेवा करने में रुचि हो वो समझो स्वर्ग से आया है। स्वर्ग तन से मन से धन से, मनुष्य की पशु की पंछी की चिड़ियों की मछलियों की सृष्टि के जन जन की सेवा करने की जिसके अंदर रुचि है, जिसको सेवा में आनंद आता है, तन मन धन से सेवा करने की इच्छा होती है, वो आत्मा सीधे स्वर्ग से ही आई हुई है, वो स्वर्ग से आई है। अब इस पैमाने को आप अपने ऊपर लागू करना कि रुचि है कि नहीं। अब घर में हिसाब लगाना यहां मत लगा, यही दुखी हो जाओगे, क्या फायदा है। दान प्रसंगो मधुरा चबाणी, और दूसरी चीज, जिनकी वाणी मधुर है, जो मीठा बोलते हैं, स्वीट वाणी है, जिनके शब्दों में मिठास है, मृदु वाणी है, जो बोलते हैं तो लगता है अमृत झर रहा है, जो बोलते हैं तो सुनने में ऐसा लगता कि और बोले और सुनूं, ऐसी वाणी है, वो आत्मा स्वर्ग का सुख भोग कर आई हुई है। ये दूसरी पहचान है। तीसरी पहचान, देवार्चनम,
जो देवी और देवताओं का सम्मान करते हैं, अर्थात जिन नर नारियों का देवी देवता जैसा स्वभाव है, उनसे जो प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं, वे आत्माएं भी स्वर्ग से आती है। ये तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण, ब्राह्मण तर्पणश्च। ब्राह्मण को शास्त्रों में साधु कहा गया है। जो साधु संत का तर्पण करते हैं, तर्पण माने क्या होता है? प्रताड़ित करना नहीं, तर्पण का अर्थ होता है जो साधु संतों को भोजन खिलाते हैं। साधु संत नकली साधु नहीं, केवल कपड़ा बदला, लफड़ा नहीं बदला, उसको नहीं। गधी को खिलाओगे तो क्या दूध देगी? वो नहीं देगी। ये नकली साधु ये आशीर्वाद नहीं दे पाएगा। ये तो केवल पेट पालने के लिए साधु बन गया है, चुट्टा घूम रहा है। हमारे पास भी आ जाते हैं कभी कभी ऐसे नकली। तो मैं तो 120 श्लोक गीता के बोलता हूँ, उनसे अर्थ पूछता हूँ, सब खिसक जाते हैं। हमको भी ठगने आ जाते हैं, हमारे आश्रम पर भी ठग साधु आते हैं, जटा बढ़ाकर, दाढ़ी रखकर, गाड़ी लेकर आते हैं, जमात लेकर आते हैं। हमारे साधु डर जाते हैं, छोटे छोटे ये सब भागते हैं छत के ऊपर कि गुरुजी को बुलाओ, अब भैया खतरनाक मामला है, मेरे गुरुजी। वे भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनको ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण बहुत याद है। हमारे गुरु, मेरा गुरु विद्वान गुरु है। और बहुत से श्लोक मेरे गुरु ने मुझे रास्ते में चलते चलते याद कराया है। 11 वर्ष तक मैं उनके साथ उनका कमंडल लेकर चलता था, साथ साथ उनको स्नान कराता था, उनके कपड़े धोता था और उन्हीं के पास सोता भी था, नीचे बिछा लेता था, जमीन में वहीं सो जाता था। और मैं पूछता भी था, गुरुदेव यथा खरस चंदन भारवाही, एक श्लोक आपने सुबह बोला था, उसकी नीचे की लाइन भूल रही, फिर से बोल दीजिए। बोलते थे, मैं याद करता था, 3 बार बोलते थे, मैं याद कर लेता था। स्मरण शक्ति को भी बढ़ाइए, जितना तुम मन को एकाग्र कर सकोगे उतना अधिक तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों को मेमोरी पावर बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ेगी मेमोरी? ऐसी मेमोरी तो सभी की स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसे बढ़ेगी मेमोरी। लंबी सांस खींच दीजिए, फुल ऑक्सीजन आपके माइंड में जानी चाहिए, ध्यान दो बाबा, ऐसे हर घंटे में कम से कम 5 बार। आपकी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे सांस खींचता है, इसलिए वो बुद्धिमान है, बहुत अच्छा भाषण करता है। तुम भी सांस खींच दिया करो। कितने लोग तो सांस इतना धीरे धीरे लेते हैं, नाक को पुन 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 चलाते हैं, ठीक से खींचो, ये टुन पुन मत करो। साहिब बंदगी बहुत बड़ी बात है। और मेमोरी अगर हाई करना चाहते हो, प्रसन्न चित्त सो ही आंसु बुद्धि पर रोतिष्ठते, प्रसन्न चित्त रहो। जितना तुम चिंता ज्यादा करोगे बुद्धि कम होती चली जाएगी, जितना ज्यादा दुखी रहोगे बुद्धि का स्मरण घटता चला जाएगा।
जितना ज्यादा तुम टेंशन में रहोगे तो खोपड़ी रहेगी, बुद्धि नहीं रह जाएगी, बस खोपड़ी खोपड़ी लेकर घूमो, दिमाग खत्म। कृष्ण भगवान बहुत बुद्धिमान थे, क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान गौएं चराते थे, गायों की धूल में अपने पैर रखते थे, गायों को छूते थे, गायों का गोबर भी छूते थे, बछड़ों से प्रेम करते थे। गाय का स्पर्श करने से, गोबर का स्पर्श करने से और गाय का दुग्ध पान करने से भी बुद्धि बढ़ती है, भैंस का दूध पीने से बुद्धि घटती तो नहीं है लेकिन बढ़ती भी नहीं है, लेकिन बुद्धि सुस्त हो जाती है, जैसे भैंस सुस्त रहती है ना। थोड़ा असर पड़ता है। अब लोग बड़े चिंतित हैं, अब क्या करूं, भैंस है घर पे। दौड़ने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है, जब तुम दौड़ोगे कपाल भांति स्टार्ट हो जाएगी। कपाल भांति, और ऐसी कपाल भांति वो बाबा रामदेव सिखाते ना, बाबा रामदेव पेट घुमाते, तुम उनकी तरह पेट घुमाओगे तुम्हारी आंतें भी फंस सकती है। बाबा की नकल मत करना, किसी बाबा की नकल कभी नहीं करना चाहिए। आहा, बाबा का मामला, कालू बाबा की भी नकल मत करना कि घर छोड़कर बाबा बनकर उधर बैठो, ये तो कुदरत की देन है। और तुम्हें इतना पेट घुमाने की जरूरत ही नहीं है, बाबा तो ट्रेनिंग देते इसलिए पेट घुमाते हैं। अब तो बस दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दौड़ने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है, गहरी नींद में सोने से भी बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। गहरी नींद सोइए, मैं इसमें देखता हूं बहुत लोगों को गहरी नींद नहीं आती है, कितने लोगों को तो नींद आती ही नहीं है, कितने लोग सोते समय भी सोचते रहते हैं, कितने लोग सोते भी हैं सपने बहुत देखते हैं, और कितने लोग बिस्तर पर पड़े पड़े देह में दर्द हो जाता है लेकिन नींद नहीं आती। और गहरी नींद का सुख लेना है तो रात्रि का भोजन बंद कीजिए, सूर्यास्त से पहले खा लीजिए। गहरी नींद का सुख लेना है भोजन कम खाइए, पेट के डाइजेशन को ठीक कीजिए, सुबह सुबह पपीता मूली गाजर खाइए, थोड़ा टमाटर खाइए, कच्ची फूल गोभी खाइए, थोड़ा हरी मिर्च उसी में काट के डालकर खाइए। पपीता, यस्य पिता नास्ति तस्य पिता पपीता, जिसका पिता नहीं है उसका पिता पपीता है। बहुत लोगों के घरों में 50-50 पपीता लगा है, बड़े खुश हैं कि एक पिता मर गया, 50 पपीता, ये 50 पिता। अब ये भी टेंशन है कि जब पपीता पिता है तो पपीता को कैसे खाऊं, पपीता खाऊं तो पिता को खा जाऊंगा। इसका सेंस समझिए, सेंस इंग्लिश में सेंस कहते हैं, सेंस को हिंदी में भावार्थ कहते हैं। जैसे पिता तुम्हारे पेट का भरण पोषण करता है ऐसे पपीता तुम्हारे पेट को ठीक रखता है, इसलिए पिता का स्थान पपीता को दिया गया है कि जैसे पिता पेट का इंतजाम करता है ऐसे ये पपीता भी तुम्हारे पेट को ठीक करने का इंतजाम करता है।
परंतु अधिक पपीता खाओगे यदि तो चर्म रोग हो जाएगा, सीमित पपीता खाओगे तो चर्म रोग खत्म हो जाएगा, एक दिन छोड़कर खाओगे तो पेट का रोग खत्म हो जाएगा, और सुबह शाम दोनों टाइम खाओगे तो तुम भी खत्म हो जाओगे। लोगों को आइडिया नहीं गुरुजी क्या बात पलट देंगे, यही तो कला है, इसीलिए तो नेपाल बॉर्डर से बुलाया गया, नहीं महात्मा तो इधर भी बहुत घूम रहे हैं। आखिर इतना खर्चा क्यों किया गया, कुछ स्पेशल क्वालिटी है कि नहीं देवी जी बोलो, हे हाँ है कुछ, वाह वाह, मुझे लगता है मुझे इस निमाण में दोबारा भी आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अब मुझे लगता है आना पड़ेगा, लेकिन तुम नहीं बुलाओगे तो कैसे आऊंगा, ये भी संकट है, क्योंकि ऐसे थोड़े आ जाऊंगा, मारा मारा घूमू उस जंगल बंगल में, मैं कोई कालू बाबा थोड़े हूं। कालू बाबा की बराबरी मैं नहीं कर सकता। आज कालू बाबा की समाधि स्थल पर भी मैं गया, जिस कमरे में बाबा विश्राम करते थे वहां एक मिनट में ठहरा, वाइब्रेशन प्राप्त हो रहा था, विश्रांति मिल रही थी। बाबा का दर्शन करो, समाधि का दर्शन करो, खुशियालेश्वर महादेव का दर्शन करो, बहुत आनंद है। और ये शायद बाबा की कृपा से ही 10-20 गांव के लोगों की इच्छा हो गई कि असंग बाबा को भी बुला लो, बाबा की ही कृपा है। हंसने से बुद्धि का विकास होता है, और ज्यादा ही बुद्धिमान बनना चाहते तो एक सस्ता फार्मूला बता दो हैं? महिलाएं बोलती मत बताना, वे मन मन में सोच रही है ऐसे भी ये इतना फास्ट बुद्धि के हैं, इनके साथ जीना मुश्किल है, और बुद्धि बढ़ा दोगे तो ये तुम्हारी डालेंगे हमको, लेकिन इनकी भी बुद्धि बढ़ेगी, बहुत अच्छा फार्मूला है वो ये है, बुद्धिमान बनने का सहज फार्मूला। बुद्धिमान भी बन जाओगे, धनवान भी बन जाओगे, ध्यान देना मेरी ओर देखना, इधर शोरगुल क्यों मचा है, कोई शांत करने तो जाता नहीं है, कौन जाएगा, जो जाएगा वो सत्संग भी नहीं सुन पाएगा, बड़ा झंझट का काम है। ये बच्चों को मत लाया करो यहाँ, घर में इनको रस्सी में बांध कर आया करो। चलो भैया, भगवान तुम्हारी जय जय। चलो एक गीत गाता हूँ फिर बताता हूँ, बहुत बुद्धिमान हो जाओ। मैं उसका प्रयोग किया हूँ, मैं जब साधु बना था तब हमारे हाथ में 2 बुद्धि रेखा थी, अब इस समय 4 बुद्धि रेखा है, डबल कर दिया मैंने। जब साधु बना था तो 2 भाग्य रेखा थी, अब इस समय 8 भाग्य रेखा है। जब साधु बना था तो 2 वक्ता की रेखा थी, अब 5 रेखा है। तो तुम्हारा भी सब बढ़ा दूंगा मैं, डबल कर दूंगा, बताता हूं। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित को भर माए, तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। दोहराओ। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, घटे बहु भोजन खाए, तेजी घटे सब भोग की संगति, बुद्धि घटे सब भोजन, सब भोजन खाए। अरे हमारे साथ भी एक से एक कलाकार साधु है। अब खुश है, इतना माइक के ऊपर गिर गिर पड़ रहा है।
मैं इसीलिए चुप था कि देखें बुद्धि घटी की बढ़ी है। ठीक से कोई बात नहीं, बढ़ जाएगी। ज्ञानी घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। ध्यान की एकाग्रता चित्त को चंचल करने से घट जाती है। जो विद्यार्थी अपने चित्त को चंचल करता है, दुनिया में तमाम जगहों में चित्त को भटकाता है, उसका ध्यान समाप्त हो जाता है। और बिना कंसंट्रेट हुए याद रखना, आपका विषय आपको याद नहीं हो सकता है। इसलिए एकाग्र होना सीखो। बुद्धि होते हुए भी यदि एकाग्र होने की आप में कला नहीं है, आप कैसे एकाग्र होंगे? जिस चीज के लिए एकाग्र होना है, कंसंट्रेट होना है, मेडिटेशन करना है, सबसे पहली बात उसका इंपॉर्टेंट समझिए, उसका महत्व समझिए, उसकी आवश्यकता समझिए, उसकी जरूरत समझिए। और जब किसी भी चीज का महत्व तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है और किसी भी चीज को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा आपके अंदर जागृत हो जाती है, तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त उसी चीज में एकाग्र हो जाता है और दिन रात उसकी याद करते हो। इसलिए आप अपनी शिक्षा के महत्व को समझिए, संत को साधना के महत्व को समझना चाहिए, वैज्ञानिक को विज्ञान की खोज के महत्व को समझना चाहिए। जब महत्व समझ में आ जाता है तो चित्त तुम्हारा एकाग्र होने लग जाता है। इसलिए महत्व समझिए। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित को भर माए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। आज लोग तेजस्वी बहुत कम है। लोगों की वाणी में ओजस्विता नहीं है, मुखमंडल पर तेजस्विता नहीं है, कर्मों में तपस्वी का रूप नहीं है। आपका मुखमंडल तेजस्वी होना चाहिए। भोगों को कम भोगिए। और पांच इंद्रियों से भोग भोगे जाते हैं। आंखों से उन दृश्यों को मत देखिए जिससे आपकी दृष्टि तेजहीन हो जाती है। कानों से वह शब्द मत सुनिए जिससे आपका जीवन निस्तेज होता है। शब्दों का भी प्रभाव होता है। ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपके तेज को छीड़ कर देंगे। इसलिए उन शब्दों को मत सुनो जो आपके तेज को छीड़ करते हैं। तेजस्वी बनने के लिए सत्संग के शब्द सुनो। महिलाओं को भी तेजस्वी होना चाहिए, पुरुषों को भी तेजस्वी होना चाहिए। कर्म ऐसे करो कि तुम्हारे कर्म तुमको यशस्वी बनाते रहे। साधना ऐसी करो कि तुम्हारी साधना तुमको तपस्वी बनाते रहे। वाणी ऐसी बोलो कि आपकी वाणी ओजस्वी होनी चाहिए। म्याऊ म्याऊ ही हो हो। कितने नेता लोग भाषण करते हैं, कोई दम नहीं है। क्यों? जिसके कर्म में दम नहीं होती है उसकी भाषण की भी दम खत्म हो जाती है। पहले कर्मों में दम होना चाहिए, चरित्र में दम होना चाहिए। चरित्र, कर्म और स्वभाव जब ये दमदार होते हैं तो आपकी वाणी भी दमदार हो जाती है। चरित्रहीन लोग, भ्रष्ट लोग, चोट्टा लोग, ये क्या दमदार बोलेंगे? ये डरे हुए हैं अंदर से, ये सोच सोच कर बोलते हैं, क्योंकि ये फंस जाते हैं खुद ही बोलकर, अपने बोल में फंस जाते हैं। लेकिन जिनका चरित्र निर्मल है, मन पवित्र है,
उनको सोचना नहीं पड़ता बोलने के लिए, वो जो बोलते हैं वो शास्त्रोक्त हो जाता है, जो बोलते हैं वो सुनने लायक हो जाता है, जो बोलते हैं वही सबकी जिंदगी के चलने का मार्ग बन जाता है। ये ओजस्वी वाणी होती है। वाह वाह, कमाल है। टोपी अन्ना हजारे की है और जय असंग की है, गले में रूमाल हनुमान जी के कलर का है। कल ये जबरदस्ती हमको अपने घर ले गए, सड़क पर खड़े ऐसे हाथ हिला रहे थे। इधर से हम गए, क्या नाम है उसका, झिरनिया की झिर क्या, झिरनिया झिरनिया, हाँ मैं कल झिरक के बोलता रहा। कल श्री प्रदीप गंगराड़े, श्री आकाश गंगराड़े, श्रीमती रेखा राखी गंगराड़े के यहाँ गया था। खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो। झिरनिया से कितने लोग आए हैं जरा हाथ उठा दे, झिरनिया वाले। अरे खड़े हो जाओ, हाथ वाथ कुछ नहीं, खड़े हो जाओ, झिरनिया पूरा खड़ा हो जाए। ये झिरनिया, आहा बहुत है झिरनिया। झुमझुम का गिरा रे झिरनिया की बाजार में, बैठ जाओ। प्रदीप गंगराड़े ने बहुत सेवा किया, 15 प्रकार का नाश्ता कराया। जैसे मैं चैनपुर गया था बाबूलाल डॉक्टर साहब मालवी साहब के यहाँ, उन्होंने भी 15 प्रकार का नाश्ता, वो दोनों कंबाइन रहते हैं, सलाह करके 15 ही 15 रखा, बोले 16 मत रखना। बहुत सेवा किया। और झिरनिया में आने वाले वर्ष में प्रोग्राम की भी मांग हुई है कि इसी महीने में आप झिरनिया में 3 दिन का टाइम दीजिए। पूरे झिरनिया की ओर से समागम होगा, झिरनिया का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान, लेडीज, जेंट, सब प्रेजेंट सेवा करेंगे। और मैं आपको उम्मीद करता हूं कि अगले साल झिरनिया में आपका दर्शन हम करेंगे। झिरनिया ठीक रहेगा ना, सेंटर जगह, लेकिन तुम तो सब वहां पहुंच जाओगे, पर कालू बाबा कैसे जाएंगे? बाबा तो सूक्ष्म रूप से पहुंचेंगे, उनको सड़क पर जाने की जरूरत नहीं है, वो भी पहुंचेंगे। आज बहुत बुद्धिमान बनने का फार्मूला बताऊंगा, जो मैंने अपनाया है वही बताऊंगा। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटई चित्त को भरमाए। चित्त को चंचल करने से शांति भी नष्ट होती है, इसलिए अपने चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। जो महिला चित्त को एकाग्र रख करके रोटी बनाती है तो उसके भोजन में विलक्षण स्वाद रहता है। जो संत अपने चित्त को एकाग्र करके प्रवचन सुनाता है तो उसके प्रवचन में भी एक अद्भुत रस होता है। जो ड्राइवर चित्त को एकाग्र करके गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी में बैठने में भी आनंद आता है। चित्त की एकाग्रता तुम्हारे कार्यों के रिजल्ट के प्रभाव को बढ़ा देती है। जो विद्यार्थी अपने चित्त को एकाग्र करके विद्या का अध्ययन करता है तो उसकी मार्कशीट का परसेंटेज बढ़ता है, 60% की बजाय 80% हो जाएगा। लेकिन चित्त कहीं तो एकाग्र होता ही है। इस समय ज्यादातर लोगों का चित्त तो मोबाइल में एकाग्र हो जाता है, कई लोगों का टीवी में एकाग्र होता है, कई लोगों का फिल्म में एकाग्र होता है। जो किस्मत वाले हैं उनका चित्र प्रवचन में एकाग्र होता है, गुरु दर्शन में एकाग्र हो जाता है, डूब जाते हैं वे।
सबसे निवेदन करूंगा, कोई इधर उधर घूमो मत, बड़ी मुश्किल से तुम आए हो, बड़ी मुश्किल से हम आए हैं, ये फील्ड में चक्कर क्यों काट रहे हो? कुछ लोगों को यही पता नहीं यहाँ क्या लेने आए हैं, समोसा खाते घूम रहे हैं, बाद को खा लेना, शांति से सुनो। बुद्धि घटई बहु भोजन खाई, बहुत खाने से भी बुद्धि घट जाती है। आज संकल्प लेना एक रोटी कम खाना, और शाम को कोशिश करो कि ना खाओ तो अच्छा है, एक तिल का लड्डू खा लो, मुट्ठी भर चना चबा लो, आधा गिलास दूध पी लो, देखना फिर ताजगी क्या रहे। ये मैं करता हूं वही बताता हूं, बहुत तेज बुद्धि रहेगी, मेरी बुद्धि बिल्कुल तलवार की धार है, सख्त, फट से याद। आज मेरे लिए बाबूलाल मालवी चना लाए हैं, तिल के लड्डू लाए हैं, अर्जुन पटेल कल तिल के लड्डू लाए थे, और मैं किसी से कहा नहीं था कि तिल के लड्डू लाना, इसलिए नहीं कहा था, शर्म लग रही थी इसलिए नहीं कहा था, इसलिए भी नहीं कहा था कि सब लोग लड्डू ले आएंगे तो इतने लड्डू कौन खाएगा, इसलिए बिना कहे जो ले आए उतने लड्डू से काम चल जाएगा। थोड़ा सा तिल का लड्डू, भुना हुआ चना, थोड़ा सा दूध शाम को लेना चाहिए, और कभी कभी शाम को थोड़ा सा नमकीन दलिया, गेहूं वाली, गेहूं जौ चना मटर, ये सब चीज़ों, बाजरा ज्वार मक्का मिलाकर दलिया बना, उसको दलिया बना करके पूरे घर को खिला दो, सुबह पेट साफ हो जाएगा पूरा। थोड़ा दूध पी लो, ये ज्यादा दाल भात रोटी सब्जी कचरा गंज है, तो शाम को बिल्कुल हल्का, बुद्धि बढ़ेगी इससे। और बुद्धि बढ़ाने की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छा एक फार्मूला बताने जा रहा हूं, सीधे बैठ जाओ, अच्छा ध्यान एकाग्र कर लो। आजमाया हुआ फार्मूला है ये, जितना बुद्धि तुम बढ़ाना चाहते हो उतना अधिक तुम जिम्मेदारियों को लेते जाओ, लेते जाओ, जितनी अधिक तुम्हारे पास में रिस्पांसिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी, उतना तुम्हारी बुद्धि का विकास ज्यादा हो जाएगा। ये सबको मत बताना, तुमको बता दिया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखो। इंदौर के भक्त मांगीलाल जी आए हुए हैं, खड़े हो, इंदौर वाले मांगीलाल, ये देखो, आज सुबह सुबह इनको बुलाया मैंने कि मेरे साथ आओ, परिक्रमा कर रहा था, घूम जाओ चक्कर काट जाओ हाथ जोड़ के, बोले आपके साथ में संकोच लगता है, हमने कहा नहीं साथ आ जाए, इनको साथ 10 मिनट भ्रमण कराया। बोले गुरुदेव आप संतों का भी ख्याल रखते हो, भक्तों की भी जिम्मेदारी रखते हो, बहुत जिम्मेदारी ध्यान रखते हो, और वास्तव में जब से मैंने संपूर्ण जिम्मेदारी लिया है तभी से बुद्धि हमारी डबल बढ़ गई है। तुम यहां बैठे हो तुम्हारी भी जिम्मेदारी मैं रखा हूं, ऐसा नहीं है कि तुम खाली हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं अपने प्रबंधक को फोन लगाया कि श्रोता ज्यादा आ रहे हैं, बिछावन बढ़ाना जिम्मेदारी से, बोले बढ़ा दिया हूं, तुमने का मंडप भी बढ़ा देना, बोले लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं, तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं,
मैंने कहा जो रास्ता है उसमें भी महिलाओं को बैठने देना, कंट्रोल न करना। बोले ठीक है, ये वहीं से परमिशन आता है, नहीं तो बैठने नहीं देते, जुटते लोग, हटो निकलो। फिर मैंने तुम्हारे भावों को पढ़ा कि माँ स्वरूपा, माताएं बहनें चाहती हैं इतनी अच्छी जगह खाली पड़ी है, बैठ जाऊं यहाँ। वहां से परमिशन दिया, सबका ख्याल। मैं अपने गुरु की भी जिम्मेदारी रखता हूँ, हमारे पास मुख्य चार आश्रम, वहाँ की सब जिम्मेदारी संतों की रखता हूँ। यहाँ जितने संत, 31 संत, इसकी भी जिम्मेदारी रखता हूँ और भक्तों की भी जिम्मेदारी, और जो संत हमारे जिम्मेदार हैं उनकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसलिए तुम सब जिम्मेदारी ले लो, कामचोर मत बनो, लापरवाह मत बनो, आलसी मत बनो। ये सोचो कि पूरे घर की जिम्मेदारी है, मेहमानों की जिम्मेदारी, खेती बाड़ी दुकान वकान सब जिम्मेदारी आपकी है, फिर देखना तुम्हारी बुद्धि का विस्फोट होगा और इतनी बुद्धि बढ़ेगी लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि बचपन में ये बुद्धू था, ये बुद्धिमान कैसे हुआ। तो बता देना गुरुदेव का फार्मूला लागू किया। और जब तुम जिम्मेदारी अधिक से अधिक ले लोगे, बुद्धिमान तो बनोगे ही, और जब तुम बुद्धिमान बनोगे तो याद रखना तुम धनवान भी बनोगे। फिर जो बुद्धिमान है वही धनवान होता है, बुद्धू थोड़े धनवान बनता है। इसलिए पहले बुद्धिमान बनो फिर धनवान बनो, और सत्संग सुनोगे तो विवेकवान बनोगे, और जो विवेकवान होता है वो चरित्रवान बनता है। जो चरित्रवान बनता है फिर क्या पूछना है, सुख शांति को वो प्राप्त करता है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई। बाबा दोनों उठ के उधर चले जाओ। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और बिना विवेक के कोई सुखी नहीं होता है। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह, पढ़े या पढ़े मन कोस। बिनु सत्संग। रुस्तमपुर वाले गाइए, आपकी पड़ोस रुस्तमपुर गांव है, वहां में सन 2014 में प्रवचन किया था। कहां है रुस्तमपुर वाले, खड़े हो जाओ। रुस्तमपुर, ये देखिए रुस्तमपुर के वीर बलवान लोग हैं। ये मेरे से पूछ रहे थे मैं बुलाऊं तो क्या आओगे मेरे यहां, तो मैंने कहा इतना गहरा रिश्ता है ये कैसे कह रहे हो। तो मैंने कहा वर्षा ऋतु में आऊंगा, अभी बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत प्रेम है, धन्यवाद है रुस्तमपुर वालों को। बैठ जाइए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सुलभ न सोई। सुख पाने के लिए विवेक और संतोष की आवश्यकता है। जिस महिला को अपने घर में संतुष्टि है वो महिला सुखी है, जिसको संतुष्टि नहीं है वो मां दुखी रहती है। याद रखना, इतना सामान इतना मकान कभी नहीं हो सकता है जितना तुम्हारा मन मांग कर रहा है, लेकिन जो है उसमें संतुष्ट होना ये तुम्हारे हाथ की जादूगिरी है,
आप उसमें अपने को संतुष्ट कर सकते हैं। और जब जब तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाता है वहीं से सुख की कहानी शुरू हो जाती है। इसलिए स्वयं को संतुष्ट कीजिए और सुख को प्राप्त कीजिए। जैसी पत्नी आपको मिली है, काली है, गोरी है, नाक टेढ़ी है, आंख बड़ी है, उसमें संतुष्ट हो। कितने लोग शादी के बाद पत्नी में कमी ही कमी देखते रहते हैं, कहते हैं इसके पांव छोटे हैं, तो ऊंट के पांव लगा लो फिर, पांव छोटे हैं। फालतू बात करते हो। कितनी स्त्रियां शादी के बाद अपने पति से बहुत असंतुष्ट रहती हैं, कहती हैं तुम बोल नहीं पाते। ये तो बहुत अच्छा जो तुम्हारा पति बोल नहीं पाता, कम बोल पाता, अच्छा है। तुम बोलो वो सुनेगा, और क्या है इसमें। संतुष्ट होइए अपने पति में भी। आपके पति का शरीर काला है, गोरा है, सुंदर है, कम सुंदर है, शरीर की सुंदरता वास्तविक सुंदरता नहीं है, स्वभाव की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता वास्तविक सुंदरता है। रूपवान होना आसान है लेकिन गुणवान होना कठिन है। रूपवान पति केवल आकर्षित कर सकता है लेकिन गुणवान पति आपको सुखी कर सकता है। चार स्त्रियां राजस्थान में कुएं पर पानी भर रही थी, चारों आपस में बात कर रही थी। एक स्त्री बोली, मेरा पति बहुत रूपवान है, बहुत सुंदर है। दूसरी स्त्री बोली, मेरा पति इतना रूपवान तो नहीं है लेकिन धनवान बहुत है, बहुत धन है, जो चीज मांगती हूं फट से लाकर दे देता है। तीसरी बोली, मेरा पति बहुत बलवान है, कभी मैं बीमार हो जाती हूं तो अकेले मुझे उठाकर गाड़ी में बिठा देता है, इतना पहलवान है। चौथी स्त्री हंसी और बोली, मेरा पति ना तो बहुत रूपवान है, मीडियम रूप है, ना बहुत धनवान है, काम चलाने भर का धन है, ना बहुत बलवान है, बेटे का सहारा लेकर मुझको उठा लेता है, कभी बीमार होती हूँ गाड़ी बिठा लेता है, लेकिन मेरा पति गुणवान है। जब से मैं अपने पति के यहाँ आई हूँ तब से मुझे सुख ही सुख मिला है, यस ही यस मिला है, कभी ना अपयस मिला ना दुख मिला, मेरा पति गुणवान है, रूपवान नहीं है। रूपवान, धनवान और बलवान पति से ज्यादा अच्छा पति गुणवान पति है। गुण पूजा स्थानम नच वयम नच लिंगम, गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है और न तो उम्र की पूजा होती है, गुणों की पूजा होती है। किसी गांव में एक आदमी रहता था, थोड़ा आलसी आदमी था वो, तो एक दिन उसने कहा, आज पता लगाऊंगा भगवान है कि नहीं है। बहुत लोग आजमाते हैं कभी कभी ना। तो जंगल चला गया, पास में जंगल था वहां गया, जंगल में जाकर के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया, बुद्धिमान था, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और 5 मिनट पेड़ के ऊपर बैठा रहा। थोड़ी देर में देखा लोमड़ियों का झुंड आ गया वहां, लोमड़ी होती ना सियार लोमड़ी, उसका झुंड आया।
100-200 लोमड़ी आ गई उस पेड़ के नीचे, तो ऊपर बैठा हुआ वो डर भी गया कि इतनी लोमड़ी आ गई। थोड़ी देर बाद देखा कि एक शेर भी आ गया और शेर गरजा, जोर से गरजा। अब उसके होश उड़ गए कि यहाँ भगवान ढूंढने आए हो, यहाँ तो लोमड़ी और शेर मिल गए, भगवान तो मिला ही नहीं। डर लगा। शेर और भेड़िया और कुत्ता और बिल्ली ये आंख की दृष्टि से नहीं चलते हैं, ये खुशबू से आगे की यात्रा करते हैं। इसलिए याद रखना, कितना छिप करके बैठे हैं आप, शेर को खुशबू मिल जाती है कि यहां पर मेरा कोई शिकार छिपा हुआ है। इसलिए कहीं जंगल वंगल हो तो रात में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि शेर किसी का परमिशन नहीं लेता है, कभी भी किसी तरफ से कहीं आ सकता है, सावधान। जब शेर आया जोर से दौड़ करके तो सब लोमड़ी भाग गई, जोर से भागी, लेकिन एक लोमड़ी नहीं भागी। नहीं भागी, क्यों नहीं भागी? क्योंकि भाग नहीं पाई। क्यों नहीं भाग पाई? क्योंकि वो लंगड़ी थी, उसके पैर टूटे थे, घिसट कर चलती थी। जब वो नहीं भाग पाई, उस आलसी आदमी ने सोचा कि आहा, इस लोमड़ी को शेर खा जाएगा, लेकिन नहीं खाया नहीं। शेर मांस का टुकड़ा मुंह में दबा कर लाया था, उस लंगड़ी लोमड़ी के पास में मांस का टुकड़ा रख देता है, लोमड़ी उस टुकड़े को खाती है और शेर चुपचाप चला जाता है। तब उस आलसी आदमी ने कहा, वास्तव में भगवान तो है जरूर, ऐसा बोला कि भगवान है। शेर चला गया, थोड़ी देर बाद वो लंगड़ी लोमड़ी भी चली गई। पेड़ से धीरे से उतरा और भागता हुआ जंगल से बाहर आया। बोले, भगवान मिले न मिले पर जंगल में कभी नहीं आऊंगा। बोले, जिंदगी बच गई ही बहुत। भाग कर आया तो उसके गांव में एक महात्मा रहते थे। वो महात्मा के पास में गया, उनको गुरु बनाया था, नामदान लिया था। हर संसारी जीव को गुरु बनाना चाहिए, नामदान लेना चाहिए। कल लगभग 50 नरनारियों ने नामदान लिया था, बड़वानी से भी नामदान लेने के लिए पूरा परिवार आया था। राजेश बड़वानी खड़े हो, प्रोग्राम की भी मांग किया है और पूरा परिवार नामदान लिया है। मैं निवेदन करूंगा कि जो नामदान लेने से शेष बचे हों, आज नामदान ले लेना। वहीं स्कूल में, खुशियालेश्वर महादेव के समीप में, मेरे निवास में, सबको नामदान मिलेगा। 2-2 श्री फल नारियल ले आना, फूल ले आना, माला मिल जाए ले आना, और फिर बस इतने में काम हो जाएगा, बाद को फिर और लाते रहे। फल वल ले आना, मिल जाए जो भी फल मिल जाए, थोड़ा मीठा ले आना, प्रसाद दे दूंगा आपको ही, डब्बा ले जाए और बस नामदान दे दूंगा। तो गुरु के पास पहुंचा और गुरु से बोला, गुरुदेव मैं भगवान को ढूंढने गया था, भगवान तो नहीं मिला, शेर और लोमड़ी मिल गए, डर भी लगा, लेकिन एक बात मैंने देखा कि भगवान है तो जरूर। लोमड़ी का झुंड इकट्ठा हुआ, फिर शेर आया, लोमड़ियां भाग गई, लंगड़ी लोमड़ी रुक गई, नहीं भाग पाई, तो शेर मांस का टुकड़ा मुंह में दबा कर लाया था और लंगड़ी लोमड़ी के आगे रख दिया और लोमड़ी खाने लगी, शेर चुपचाप चला गया। तो इसका मतलब ये भगवान का ही खेल है, नहीं तो लोमड़ी को शेर खा जाता। लोमड़ी के लिए खाना थोड़े शेर लाता, लेकिन मैं सोचता हूँ जब एक लंगड़ी लोमड़ी का प्रबंध भगवान कर देता है तो मैं काम क्यों करूँ, मेरे लिए भी भगवान को प्रबंध करना चाहिए।
सब लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं, तो महात्मा हंसने लगा, बोला बेटा तुझे भगवान लोमड़ी नहीं बनाना चाहता है, तुझको शेर बनाना चाहता है कि तू इतना कमा कि दूसरों को भी टुकड़ा दे सके। तुझे शेर बनाकर रखना चाहता है, लोमड़ी बनाकर नहीं रखना चाहता है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, ये प्रकृति आपको सिंह बनाना चाहती है, आप इतना कमाओ कि दूसरों को भी बांट सको, खिला सको, सिंह बन करके जियो, और फिर जहां बैठ जाओगे वो स्थान सिंहासन बन जाएगा। सिंह को बैठने के लिए सिंहासन नहीं चाहिए, सिंह अगर पत्थर की चट्टान पर बैठ जाता है तो पत्थर की चट्टान भी सिंहासन बन जाती है। तुम भी सिंह बनो, मेरे कहने का अर्थ, जिम्मेदारियां बढ़ाओ तो बुद्धि बढ़ेगी, कम खाओ तो बुद्धि बढ़ेगी। प्रवचन सुनने से भी बुद्धि बढ़ती है, और निवेदन करूंगा धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है। 10 दिन पहले एक सज्जन सागर जिले में सत्संग में बता रहे थे कि मैं धार्मिक ग्रंथ पढ़ता हूं, आपकी लिखी हुई एक किताब सुख की खोज, जीने की राह, बरसे कंबल भीजे पानी। बोले तब से कुछ अधिक बुद्धिमान हो गया, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, रामायण पढ़ो तो भी बुद्धि बढ़ेगी। यहां साहित्य की दुकान आई है, वहां पर छोटी छोटी पुस्तकें जो मैंने लिखा है वो भी बिक रही है। महान पुरुषों के फोटो ले लो, उनको फोटो का रोज दर्शन करो, दीवालों पे लगा दो घर में, उससे भी आपकी बुद्धि और शुद्धि बढ़ेगी। और जिसकी बुद्धि और शुद्धि बढ़ेगी उसके घर में रिद्धि और सिद्धि बढ़ेगी, शुद्धि भी बढ़ना चाहिए। सदग्रंथों का अध्ययन कीजिए, और प्रवचन की पेन ड्राइव 150 घंटे का प्रवचन उसको लीजिए और सुनते रहिए, टीवी में लगा दीजिए। आज एक बाबा जी मेरे से बहुत दुखी होकर फफक कर कह रहे थे, वास्ता भजन चैनल में आपका प्रवचन बंद हो गया, हम सुनते थे बड़ा सुख मिलता था, उसको चालू करो गुरुदेव। मैंने कहा मैं क्या करूं, वो प्रवचन इसलिए बंद हुआ है, 2,10,000 रुपये महीने फीस तो मैं देता हूँ उसकी, लगभग 25 लाख साल में फीस देता हूँ आस्था भजन चैनल की। ये जो तुम दान देते हो, तुम्हारा दान तुम्हारी सेवा में फिर लगाता हूँ, लेकिन जिसका चैनल है उसने बंद कर दिया है, उसने रिचार्जेबल कर दिया है, रिचार्ज कराओ तो आएगा, ना कराओ तो नहीं आएगा। दया नहीं है उसके पास कि इतने लोग प्रवचन सुन रहे थे, गरीब बेचारे फ्री चैनल में चलने देते क्या फर्क पड़ता, और ये आस्था चैनल आस्था भजन जिसका है जो इसका मालिक है, थोड़ी करुणा कर दे वो इन गरीबों के लिए, सबकी टीवी में आने लग जाए। 9 बजे सब फ्री हो जाते थे, खा पी करके हमारे भक्तगण सुन करके सो जाते थे, रात में गुरु जी का ज्ञान दिमाग में घूमता रहता था, बड़ा सुख मिलता था। अब रिचार्ज जो कराते उनमें तो आता है, जो रिचार्ज नहीं करा पाते 300-400 रुपये महीने कौन खर्च कर पाए, गरीब आदमी के लिए वो भी कठिन है। बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन उसका जो मालिक है जयराम जी की बोल देता है। पर आपका सौभाग्य था कि मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन आ गया, फिर ये एक तरीका निकला। मोबाइल के यूट्यूब से टीवी में कनेक्शन दे दीजिए, एक डोर आती है क्या बोलते हैं उसको, लीड, इसमें से उसमें जोड़ दो तो मोबाइल का प्रवचन टीवी की स्क्रीन पर दिखाई देगा, बहुत आनंद आएगा, उसमें जोड़कर सुनिए। और सत्संग का प्रभाव आपके जीवन में जितना बढ़ेगा उतना सुख शांति संपत्ति समृद्धि बढ़ेगी, रिद्धि सिद्धि बढ़ेगी, शुद्धि बुद्धि बढ़ेगी, और आपका जीवन सफल होगा। तुम्हें गणपति रूप में आना,
रिद्धि साथ ले के सिद्धि साथ ले के चले आना प्रभु जी चले आना। रिद्धि साथ ले के सिद्धि साथ ले के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम्हें राम रूप में आना तुम्हें राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम के चले आना प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम्हें क्षमा रूप में आना तुम्हें क्षमा रूप में शुद्धि साथ लेके बुद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। शुद्धि बहुत सुंदर गाइए बुद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी चले आना। आज का प्रश्न संत कबीर से पूछा गया कि दुनिया में तुमने क्या देखा है, यही था ना। आपसे अगर पूछा जाए तुमने जिंदगी में क्या देखा है, सबने अलग अलग देखा है। किसी ने दुख ही दुख देखा है, किसी ने दुख और सुख दोनों देखा है, किसी ने बीमारी ही बीमारी देखी है, किसी ने गरीबी ही गरीबी देखी है, और किसी ने गरीबी और अमीरी दोनों देखी है, और किसी ने कष्ट ही कष्ट देखा है, और किसी ने आराम ही आराम देखी है, किसी ने प्रेम ही प्रेम देखा है, किसी ने प्रेम और द्वेष दोनों देखा है, दोस्ती और दुश्मनी दोनों का अनुभव हुआ है। बहुत कुछ है इस संसार में देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन किसको कहां कब क्या दिखाई देता है ये बड़ी विचित्र बात है। कबीर कहते हैं तन धरि सुखिया काहू न देखा जो देखा सो दुखिया। शरीर धारण करने वालों को मैंने जिसको देखा उसको दुखी ही देखा हूं, सुखी नहीं देखा। तो सुख कैसे मिलेगा? कबीर कहते हैं करो विचार जो सब दुख जाए। यदि विचार करने की कला आ जाए, विवेक आ जाए, जैसे आपकी पत्नी कभी कभी आपको जवाब दे देती है आपको दुख हो जाता है, ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। आपका पति कभी कभी जिद करता, हट करता है, नशा करता है, मानता नहीं, तुम्हें दुख हो जाता है। लेकिन नशा नहीं करना चाहिए, जिद भी नहीं करना चाहिए, पर करता है, समझता नहीं, तो क्या करना चाहिए? जब आपकी पत्नी जिद करे, थोड़ा सा आपको जवाब दे, तो ध्यान लगाना, आकाश की ओर देखना, अविद्या की याद करना, और महाजा राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी का स्मरण करना कि कैकेयी ने ऐसी जिद किया था कि अपने पति को परलोक पहुंचा दिया था, मेरी पत्नी कम से कम कैकेयी से तो अच्छी है, जिद करती है लेकिन जिंदा तो रखती है।
इतना विचार कर लोगे तो दुख कम हो जाएगा। पूरा पूरा मारती नहीं है, अधमरा रखती है। पत्नी के बारे में भी विचार कर लो, पति आपका अगर थोड़ा सा हठी है, सोच लो कम से कम मंदोदरी के पति रावण से तो अच्छा है, दूसरे की पत्नी चुरा कर तो नहीं लाया है, जिंदा तो रहेगा कम से कम। कभी कभी नाराज हो जाता है लेकिन फिर भी मुझसे प्रेम रखता है। परिस्थितियों के साथ में तालमेल बिठाइए, एक दूसरे का ख्याल कीजिए, समझदारी से काम लीजिए। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इसका भी ध्यान दीजिए। ये तुम्हारी आत्मा कहां से आई है और कहां जाएगी, ये असली ज्ञान है। नरक भोग करके कौन सी आत्माएं आई हैं, उनमें 6 लक्षण होते हैं। अत्यंत कोपा, वे अत्यंत क्रोधी होंगे। जिनको अत्यंत क्रोध आता है, बहुत गुस्सा आती है, तो समझ लेना वे आत्माएं नरक से आई है। अब देख लो, सोच लो, तुम अपने आप में टटोल लो, तुम क्या हालत है, ज्यादा क्रोध। इसलिए सहनशीलता बढ़ाइए, गम खाना सीखिए, कटुका जबानी। और जिनकी बाणी बहुत कड़वी है, कभी मृदु बोलते ही नहीं, वे लोग भी आत्माएं नरक से आई, कटुका जबानी, दरिद्रता। और जिनको हमेशा दरिद्रता घेरे रहती है, जो दरिद्री हैं, संपन्न नहीं हो पाते कभी, वे भी नरक के कर्म करके आई, इसलिए दरिद्र का दुख भोग रही। स्वजनेषु वैरम, और जो अपने भाई से बैर करते हैं, बाप से बैर, माँ से बैर, बेटे से बैर, पत्नी से बैर, पति से बैर, जो अपने घर में ही दुश्मनी मानते हैं, बैर ठानते हैं, ऐसी आत्माएं भी नरक से ही आई है, उनकी ये पहचान होती है। आत्मवर्ग परित्यज्य पर वर्गम समाश्रेत, जो अपने आत्मी जनों को त्याग कर देते हैं और पराए लोगों से रिश्ता जोड़कर प्रेम से रहते हैं, वो आत्माएं नरक से आती है। सुजनेश वैरम, नीच प्रसंगा, और जो लोग नीच संगत करते हैं, नीच कर्म करने वालों की, बुरे लोगों की संगत में रुचि लेते हैं, तुम समझाते हो फिर भी नहीं मानते, वे आत्माएं भी सीधे नरक से ही आई है, इसलिए नीच संगत को ढूंढती रहती है, अच्छी संगत में उनका मन नहीं लगता। नीच प्रसंगा, कुलहीन सेवा, और जो आत्माएं भ्रष्ट लोगों की सेवा में लगी रहती है, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा में रुचि नहीं, उनके पास रहते हैं जो लोग दारू पीते हैं और कहते हैं जाओ 2 किलो बकरे का मांस लाओ, मांस लेने जाते हैं, अंडा लेने जाते हैं, दारू खरीदने जाते हैं, भ्रष्टों की सेवा करते हैं और वहीं आनंद मनाते हैं, वही आत्माएं भी नरक से आई हुई है। और जिनको पवित्र पुरुषों की सेवा में खुशी होती है, महान पुरुषों की सेवा में आनंद, मंदिर में झाड़ू लगाने में रुचि रहती, जिनको सत्संगी भाइयों बहनों के लिए बिछावन बिछाने में अच्छा लगता है, प्रसाद बांटने में रुचि लगती है कि बूंदी बांटूं, आज 6 बोरी शक्कर, 7-8 बोरी शक्कर की बूंदी बन रही है, मैंने कहा 10 बोरी की बना दो 10 क्विंटल, तो हलवाई बोला अरे इतने बनाना कठिन है, मैं भेजा एक भगत को कि कह तो 10 क्विंटल बना दे, क्योंकि विधायिका की तरफ से बूंदी बटेगी, नुकती विधायिका श्रीमती, क्या नाम था,
झूमा, श्रीमती झूमा सोलंकी, झूमा का मन घूमा, प्रसाद बटे बूंदी माँ, इसे झूमा अच्छी स्वभाव की है, मान गई, हंसती रही, फंसती गई और बूंदी निकल गई। मैं इसीलिए नेता होता आ जाता, थोड़ा इधर उधर करके हंसा हंसो के, फंसा फंसो के, कुछ निकालो पैसा इसका। मैं बहुत प्रवचन भी कर रहा था, गणित भी लगा रहा था कि ये झूमा का रुपया कैसे निकलवाओ। तो मैं सोचा कि पैसा कहूंगा तो 5-5 हजार दे देगी, तो ऐसा घुमाया दिमाग। फिर मैंने सोचा लास्ट में प्रसादी इसकी बटवाओ तो 30-40 हजार पर बैठे बजट। धन्यवाद भाटिया साहब, आशीर्वाद है। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूँ आप नारायण है। मुझ में तुझ में बस मस्त रहो, मैं नर हूँ आप नारायण है। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ संसार के बंधन में, संसार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। है जीत तुम्हारे चरणों में, है हार तुम्हारे चरणों में। बहुत सुंदर, मन प्रसन्न हो गया। साहिब बंदगी अत्यंत कोपा कटुका चबाणी, दरिद्रता चा सुजने सुबैरम। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थिताना। चिन्हानि देहे नरक स्थिताना। स्वर्ग स्थितानां जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। दाने प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणश्च। देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणश्च। साधु और ब्राह्मण को वस्त्रदान, देने से जीवन स्वर्ग बनता है, याद रखना। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, कोई व्यक्ति मैं कहूंगा
सुरेंद्र जी जाकर के अनाउंस बंद कराइए, सुरेंद्र रुस्तमपुर वाले जो वहाँ अनाउंस हो रहा है उसको बंद करो, उसकी लीड निकाल के यहाँ ले आओ। साहिब बंद की श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा। अर्जुन पूछते हैं, कृष्ण इस जीव की मुक्ति कैसे होती है और ये जीव नरक में कैसे पड़ जाता है? मनुष्य की जिंदगी नरक कैसे बनती है और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, त्रिविधम नरकशीदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। हे अर्जुन, राजू भाई, हे अर्जुन, तीन नरक के द्वार काम क्रोध और लोभ। बड़ी मार्मिक बात है। ये काम क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार कृष्ण कहते हैं, इनको जो बस में कर लेता है उसकी जिंदगी का नरक भी स्वर्ग में बदल जाता है। वासना और उपासना, लोभ और दान, क्रोध और करुणा, जब आपके हृदयंगम में करुणा का प्रवाह उठता है क्रोध की ज्वाला बुझ जाती है। इसलिए जिस घर के लोग आपस में बात करते करते उनकी आंखें सजल हो जाती है, उनके नयनों में आंसू छलकने लग जाते हैं, कितने परिवारों के बीच में मैंने देखा है जब चर्चा होती है तो सबके आंखों में आंसू छल छला जाते हैं। ये आंसू का छल छलाना, ये करुणा की धारा बह रही है, और जहां करुणा की धारा बहती है वहां क्रोध की ज्वाला बुझ जाती है और जीवन स्वर्ग हो जाता है। इसलिए परस्पर में कभी कभी करुणा का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। पति की बातें करते करते पत्नी की आंखों में आंसू आ जाए, अपनी पत्नी के गुणों का गुणगान करते करते पति की आंखें सजल हो जाए, बेटे की परिवार की चर्चा करते करते खुशी से आंखें डबडबा जाए। अभी यहां से पहले जहां मैं सत्संग किया हूं, ईश्वरलाल पाटीदार साहब के यहां, प्रहलाद पाटीदार, ईश्वर पाटीदार, पांच भाई थे, 80 सदस्यों की फैमिली एक साथ रहती है, 80 सदस्य, कॉलेज भी उनके पास है, बहुत बड़ा उनका कारोबार है। एक दिन फैमिली के लोग मेरे पास बैठे, कुछ चर्चा होने लगी, सबकी आंखें डबडबा गई, आंसू पोंछने लगे। जब मैं विदा हुआ तो फिर आंखें डबडबा गई, आंखें सजल हो गई, तो मैं समझ गया जिस परिवार के लोग प्रेम के जल से अपनी आंखों को भर लेते हैं वो परिवार कभी टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है। इसलिए घर घर में करुणा का प्रभाव होना चाहिए, क्रोध का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जहाँ करुणा रहती है वहीं पर संगठन रहता है, जहाँ संगठन होता है वहीं पर समृद्धि रहती है, वहाँ कभी दरिद्र नहीं आता। पति पत्नी के बीच में भी करुणा होनी चाहिए। ये करुणा आपको जोड़ती है, ये क्रोध आपको तोड़ता है।
और क्रोध की आग करुणा के जल से ही बुझ सकती है। मैं निवेदन करूंगा सभी करुणावान बन जाओ, प्रेम के सागर बन जाओ, और तुम्हारे पास में प्रेम भी बहुत है, तुम पंछियों से भी प्रेम करते हो, मछलियों से भी प्रेम करते हो, चिड़ियों से प्रेम करते हो, गाय के बछड़ों से भी प्रेम करते हो। तुम जब प्रेम करने पर उतर जाते हो, कीड़े मकोड़ों से भी तुम्हारा प्रेम हो जाता है, उन पर भी पैर रखने से तुम बचाते हो और उनको उठाकर दूर रख देते हो कि मर न जाए कहीं। इसलिए इंसान को प्रेम का सागर कहा गया है। इस जमाने के प्रभु, इस जमाने के प्रभु, सागर हो तुम प्रेमियों के, प्रेम के सागर हो तुम, सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए तेरे दर पे, सर झुकाने आ गए तेरे दर पे, सर झुकाने आ गए। तू प्यारे का सागर है। मैं हवाई अड्डे पर अभी आ रहा था, तो दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ महिलाएं भी लाइन में लग रही थी, हम लोग आगे थे तो हम लाइन से हट गए। तो माताओं से मैंने कहा तुम आगे लग जाओ, तो वे हंसने लगी कि प्रथम व्यक्ति हो जो मेरे लिए जगह खाली किया है, मनुष्य तो सब हैं लेकिन कोई मुझे याद नहीं कर रहा। मैंने कहा उनमें हम में अंतर है माताजी। बोले आपका प्रवचन हम टीवी में सुनते हैं, जो सुनाते हो वो करते भी हो तुम, आप ही रहो गुरु जी आगे, क्या फर्क है। सब जगह प्रेम का व्यवहार कीजिए। और याद रखना, यदि आप दुकान पर बैठ करके ग्राहक के साथ भी प्रेम करते हैं तो आपकी दुकानदारी भी ज्यादा सफल होगी। यदि खेत में मजदूरों के साथ भी प्रेम से काम लेते हैं तो आपके मजदूर केवल मोबाइल से सूचना देने पर ही आ जाया करेंगे। प्रेम की जीत सब जगह होती है, प्रेम की प्रतीत होती है, प्रेम का प्रभाव होता है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लोटा जो दिया तुमने, लोटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहां से हम, चले सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर,
श्री कनक भाटिया व्यास गादी आपको धन्यवाद दे दे, हाथ जोड़कर प्रणाम करो, खड़े हो जाओ। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कनक भाटिया जी, वाह वाह, धन्य हो भाटिया जी। श्री रेवल राम चौहान पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा, खड़े हो जाओ। जंतर मंतर श्री उमा शंकर पटेल, खड़े हो जाओ। जंतर मंतर समस्त तिरोले कुनबी पटेल युवा संगठन खंडवा, समस्त भीलट बाबा ग्रुप लायखेड़ी को भी व्यास गादी धन्यवाद दे रहे। श्रीमती छाया मोरे जी जिला पंचायत सदस्य और उनकी साथीगण, छाया देवी खड़ी हो जाओ। देखो ये छाया देवी, उधर घूम जाओ, वाह वाह, उधर मुस्करा दो थोड़ा, बस बैठो। ये भी कुछ दानवान देगी लग रहा है। सत्य बात है। हाँ, कमेटी वालों को दे देना, हमको मत देना। आज वर्षों के बाद एक भक्त मेरे पास आया, बोला हम आपको तो नहीं दे रहे हैं आज कुछ, लेकिन आपकी गाड़ी में हम 5,000 का तेल डालेंगे। ये पहली बार ऐसी घटना घटी है कि मेरी गाड़ी का भी ख्याल किया गया। बोल के गया है, अभी दिया नहीं है। मैं सोचता हूँ ले लूँ, नहीं तो चला जाएगा फिर। दे दे भैया, बाबूलाल खड़े हो जाओ। यही भगत है ये बाबूलाल, कहते हैं दे देंगे, वहाँ आऊँगा तो डिस्टर्ब होगा इसलिए बैठो। ठीक है, गाड़ी की डीजल की सेवा के लिए बता रहे, बहुत बड़ी बात है। श्री पंकज राज सिंह पोरड़ी राष्ट्रीय महासचिव एवं टीम करणी सेना खंडवा से, वाह क्या बात है। हिंदू के कवच कुंडल हो तो खटखट। बहुत अच्छे लोग, आप तो खंडवा से आए हो तो ऐसा कुछ करो मुझे भी खंडवा खींच ले जाओ। तो करणी सेना है ना, पूरी सेना की ताकत लगाओ और खंडवा में एक प्रवचन कराओ, आनंद। राजी हो? सेना राजी हो गई है, नहीं जो मिलेगा तो फंसा देंगे हम कहीं ना कहीं। बेटे सेवा दे देंगे लेकिन माया मोह से उसको छोड़ा देंगे, कल्याण हो जाएगा। धन्यवाद। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ
तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। सब लाभन को लाभ है, पीछे पीछे, सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान, सब श्रेयन को श्रेय है, फिरते ही क्रिया नयान। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जो तो चाहे सुख को छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोष दी ना काहू से बैर। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तम नाश। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। ना मन मरी न माया मरी, मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कही गए संत कबीर। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब। भाटिया, कोई घाटिया का काम नहीं, भाटिया सुनो। नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, और सब ही घास जरी जात है दूब खूब की खूब। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। ज्यों जल बाढ़े नाम में घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी जय जय हो। कालू बाबा तुम्हारी जय जय हो। कालू बाबा तुम्हारी जय जय हो। खुशियालेश्वर महादेव जय जय हो। खुशियालेश्वर महादेव जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे देव तुम्हारी जय जय हो।
जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। जिनके मन में श्रद्धा है कि कम से कम मेरे क्षेत्र में 5 वर्ष के बाद जरूर आना, वो लोग हाथ ऊपर को उठा दे। 5 वर्ष अब 5 वर्ष से पहले आना चाहूं तो कैसे आऊं? 5 वर्ष का प्रतिबंध लग गया है। जिनके मन में इच्छा है हमारे क्षेत्र में हर वर्ष आना, वे लोग हाथ ऊपर को मत उठाना। आपने तो उठा दिया, नहीं उठाना था। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज का दिन बहुत सुहावना दिन है, मौसम ने भी साथ दिया है, बादलों ने हल्की हल्की छाया किया है, इसलिए इंद्रदेव को धन्यवाद। और सूर्य देवता ने भी हल्का हल्का दर्शन दिया है, इसलिए उनको भी नमस्कार। बादलों ने वर्षा नहीं किया है, इसलिए उनको भी धन्यवाद है। और हवाएं भी तेज नहीं चली है, इसलिए वायु देवता को भी धन्यवाद है। और भूकंप भी नहीं आया है, इसलिए धरती माता को भी धन्यवाद है। सबको सुख। अब सीधे बैठ जाओ। हरिद्वार कुंभ मेला 14 जनवरी से प्रारंभ होगा, 2021 में 27 अप्रैल को पूर्ण होगा। बहुत लंबा चलेगा, जिसके लिए आपका आमंत्रण है, वहाँ बहुत बड़ा भंडारा होगा हरिद्वार कुंभ मेला के लिए। जो माता बहन पुरुष बंधु अन्नदान लाए हैं उनको आशीर्वाद, और वहाँ के लिए आप सभी से हरिद्वार कुंभ की कमेटी आग्रह निवेदन कर रही है, जिससे जितना अधिक से अधिक बन पड़े तन मन धन अर्पित करना, ताकि वहाँ 50,000 तीर्थयात्रियों का निःशुल्क भंडारा डेली चल सके और 50,000 तीर्थयात्रियों को बिस्तर और आवास दिया जा सके। उनकी सेवा के लिए आपका योगदान आपको पुण्य देगा। संसार में दुख को सुख में बदलने की कला सीखो, प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाओ, घुटनों पर हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ ले, बीमारियों में आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करो, ज्यादा कमजोरी लगे श्री च्यवन आयुर्वेद का महाशक्ति प्रास खाओ, च्यवन प्रास नहीं महाशक्ति प्रास, सिर्फ 1 चम्मच खाया हो 1 साल से महाशक्ति आ गई हमारे शरीर में। मुझे कोई डिब्बा दे गया था, मैं दूसरे को दे दिया कि महाशक्ति नहीं चाहिए मुझे, पर आप लोग कमजोर हैं, आपको चाहिए महाशक्ति प्रास। तुलसी की 5 पत्ती रोज खा लेना, एंटीबायोटिक का काम करेगी। देसी गाय का घी 1 चम्मच रोज दाल के साथ खा लेना, आपके शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। गौ माता की भी सेवा करना, पद्मासन में ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। जो ध्यान मुद्रा में बैठेगा पद्मासन में, मैं मंत्र बोलूंगा, उसके घर में भूत प्रेत चुड़ैल का निवास समाप्त हो जाएगा और शांति दिव्य आत्माओं का जन्म होगा। आंखें बंद करो, ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ, इधर उधर खुदर बुदर मत करो, सभी बैठो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति
पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी वसे संसार सब दुखिया रहे न कोई ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। शांति 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 शांति। सभी श्रोता एक मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लो। दोनों हाथ स्पर्श करके बंद आंखों के ऊपर कोमल उंगलियां स्पर्श करें, नैन खोल कर दर्शन करें। मुस्कराइए कि तीन दिन का समागम पूर्ण हो चुका है। आज एक सूचना है, कल मैं मिटावल गांव गया था, सिंगा जी महाराज का चमत्कार का दर्शन किया, कुएं से जीवित गाय को सिंगा जी महाराज ने अपने चमत्कार से साधना के प्रभाव से निकाला था। उस गांव में सत्संग भी आधा घंटे हमने किया, बहुत अच्छा लगा। गांव के लोग बहुत प्रेमी हैं और सबकी इच्छा है कि मिटावल में भी आपका तीन दिन का समागम हो, वहां भी मन बन गया। ये सब क्रमशः करेंगे तो हो जाएगा, चार पांच साल में सबका पूरा कर देंगे। और समस्त ग्रामवासियों की ओर से, मिटावल वासियों की ओर से उज्जैन आश्रम में एक कमरा बनाने का भी संकल्प हुआ है। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती छाया जी को व्यास गादी बुला रही है, आइए। हमारे लोग हंस रहे हैं कि छाया से भी कुछ तो लेंगे गुरुदेव। श्री कनक भाटिया जी को भी बुला रही है, रेवल राम चौहान को बुला रही, उमा शंकर पटेल को, पंकज सिंह पूर्णी उनको भी बुला रही है। सब बैठे रहेंगे, आरती होगी, आरती बिल्कुल होने जा रही है। दो नाम बोल देता हूँ, दो चार। रुकड़ू सिंह मंडलोई बड़ा बड़दा धार जिले से, आप आइए, श्रीमती छाया सिंह के द्वारा सम्मान पत्र लीजिए। उज्जैन आश्रम के लिए आपका 11,000 का संकल्प है। आज कुछ सावधानी भी बताऊंगा, जल्दी आइए जिनको बुलाया गया। राजू भाई विनीता सिंह तोमर आभापुरी खरगोन से, आपकी ओर से 5100 का संकल्प है। गजेंद्र सिंह सोनी CISF साजापुर जिले से 5100 का संकल्प नगद दान है। महेश केलदे पंधाना
आपकी 1100 नगद दान है। स्वरूप चंद्र जी शारदाबाई मिटावल आपका 1100 दान है। स्वरूप चंद्र राठौर 1100 मिटावल। राधेश्याम तंवर मिटावल 1100। अर्जुन सिंह चौहान जी 500 रुपये कुसुम बिया से। आप सब सम्मान पत्र छाया जी से प्राप्त करें और कोई निकलेगा नहीं, उठेगा नहीं, हटेगा नहीं। बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आपको ज्ञात है विधायिका श्रीमती के द्वारा यहाँ पर बूंदी वितरण प्रसाद की व्यवस्था है। लगभग 6 से 8 कुंटल शकर की बूंदी बनी है, ट्राली में आ चुकी है, लेकिन अभी नहीं बटेगी, आधा घंटे के बाद बटेगी। पहले यहाँ गुरु का दर्शन आपको मिलेगा, पर किसी को धक्का नहीं मारेंगे। आने का रास्ता अलग और जाने का रास्ता अलग है आपका। और साथ में ये भी याद रखना, आरती पहले कर लो और लाइन से प्रसाद लेना, धक्का मुक्का मत करना, किसी की चैन न खोए, किसी का कपड़ा न फटे, तसल्ली रखना। और गुरुमंत्र वहाँ मेरे निवास पर मिलेगा। सब यथास्थान हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, ताली बजाते हुए आरती का पुण्य प्राप्त करेंगे। पंकज जी ये करणी सेना के महासचिव हैं, आपको आशीर्वाद दिया जाता है, ताली बजा दीजिए। बहुत बड़ी बात है, सब बैठे बैठे थक गए थे, खड़े रहना, थोड़ा ताली बजा दो ऊपर हाथ करके। स्वागत विदाई भी करना चाहते हैं। सवेरे हम 7 बजे राइट विदा होंगे यहाँ से गुना जिले के लिए, लेकिन गुरु जी का कुछ सम्मान करना चाहते तो कर लेने दें कि ना करने दें? हाँ तो तुम देखते रहो, ये करते रहे। हाँ चलो लाइए माला, थोड़ा सब भीड़ पीछे बढ़ जाओ, थोड़ा हाँ सहयोग करो आरती को। हाँ बोलते बोलते। जय खुशहाली सर, जय कालू बाबा। भगवान खुशहालेश्वर के चरणों में नमन, भक्तराज कालू बाबा के चरणों में नमन। परम सद्य आदरणीय गुरुदेव असंग देव जी महाराज जी के चरणों में नमन। आप सभी ने निरंतर 3 दिन तक राष्ट्रीय संत परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन सत्संग सुने हैं। निश्चित रूप से खुशियाला में जो 10 वर्षों से कार्यक्रम हो रहे हैं, अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। गुरुदेव ने समाज सुधार, घर की व्यवस्था, व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक बिंदुओं पर प्रकाश डाला है और हम सबको सही मार्ग दिखाने के लिए 3 दिन तक बहुत बड़ा प्रयास किया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर हम उनका अभिवादन करें। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था, जब YouTube पर और आस्था चैनल पर कार्यक्रम देखते थे तो सोचते थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि हम कल्पना करते थे कि ये कोई ला सकता है, कैसे आ सकते हैं, अभी तक किसी को मालूम नहीं कैसे आए। सच तो है कि उनको केवल कालू बाबा लाए हैं, हमारी आपकी क्या औकात कि हमको ले आए। और इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ संभव हो चुका है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बारंबार उनके चरणों में नमन करता हूँ। भक्तराज कालू बाबा ट्रस्ट की ओर से मैं अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी, सचिव मधुसूदन पटेल और कोषाध्यक्ष बलवंत सिंह जी और बाकी समिति के सदस्य आ चुके हैं, श्री राम भाई, जितेन भाई, बाकी जो भी है वह यहाँ आ जाए, हम गुरु जी को अपनी ओर से भेंट और उनका सम्मान करेंगे और साथ ही संतों को भी, किसी एक संतों को सभी की ओर से सम्मान करेंगे। तुरंत यहाँ है, समय कम है, वे जब तक आते हैं कुछ स्पष्टीकरण भी आवश्यक है। कल हमारे यहाँ सांसद जी आए थे भावावेश में, वो बोल गए कि मैंने मंदिर के लिए 10 लाख दिए हैं, आप लोगों को भ्रम हो जाए कि इनको 10 लाख मिले होंगे। उन्होंने मंदिर के लिए नहीं, उन्होंने एक सेट के लिए दिए है, वो जो बना है फॉरेस्ट विभाग की तरफ से बनाया गया, एक एजेंसी को दिया है। ये इसलिए स्पष्टीकरण जरूरी है कि लोगों को ये लगे कि इनको समिति को दिया गया था। वहाँ एक जो सेट इस साल जो नया बना है, सत्संग हाल नाम दिया गया है, वो सांसद जी के द्वारा वन विभाग के माध्यम से बनवाया गया है। आज हमारे बीच छाया मोरे जी जो उपस्थित है,
इनके द्वारा भी समाधि के लिए 5 लाख जो भवन भक्तराज कालू बाबा का जो स्थल है वो राशि इनके द्वारा दी गई, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भी राष्ट्रीय महासचिव करणी सेना के पंकज दादा भी उपस्थित थे, टेवल राम जी जो भाजपा मंडल अध्यक्ष पूर्व, कन्नू भाटिया जी जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, राजू भैया जो विधायक प्रतिनिधि और बाकी सभी साथी। वैसे शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन लगता है नाम में बहुत कुछ रखा है। जिसका नाम नहीं है उसको भी टेंशन, और अगर किसी दूसरे का नाम आ जाए तब भी व्यक्ति को टेंशन होता है। फिर भी मैं क्षमा चाहूंगा, सबका नाम लेना संभव नहीं है। केवल एक बात मैं कहूंगा कि ये जो पूरा कार्यक्रम है, मैं हर बार बोलता हूँ, एक भवन की तरह है, एक मकान की तरह, एक मंदिर की तरह है। कोई भी मंदिर 3 प्रकार की ईंटों से बनता है। सबसे पहले होती कंगूरे की ईंट, मुंडेर की ईंट या गुंबज की ईंट, वो आप मुझे समझ लो, क्योंकि मेरे पास माइक है, मैं आप सबको दिख रहा हूँ, तो आपको लगता है कि सब कार्यक्रम मैंने करवाया, लेकिन मेरा उसमें कोई योगदान नहीं। अगर मुंडेर की ईंट नहीं हो, गुंबज नहीं हो, तब भी मंदिर बनता है। अभी कुर्चेला का मंदिर भी बिना गुंबज का है, इसलिए उस ईंट का योगदान बहुत कम होता है जो मेरा है। फिर होती है दीवार की ईंट, जिसका योगदान भी और जो दिखाई भी देती है। ऐसे वो लोग हैं जिनके नाम आ गए। लेकिन एक होती न्यू की ईंट, जिसका सबसे ज्यादा योगदान होता है और इसका नाम ही नहीं आता, वो आप सब लोग हैं जो बिना नाम के, बिना पद के, बिना लालच के सहयोग कर रहे हैं। आप सभी को नमन, और मैं क्षमा भी चाहता हूँ, सबका नाम लेना संभव नहीं। निश्चित रूप से बाद में कुछ लोग कहेंगे कि तेरा नाम नहीं लिया, तेरा नाम नहीं लिया। वो वही कहेगा जिसको चाहिए कि मेरा नाम लेना था। तो मैं अभी से स्पष्टीकरण कर दूं, बहुत सारे मेरे परिचित हैं और सबका नाम लेना संभव नहीं। ये धार्मिक कार्यक्रम है, न कि राजनीतिक कार्यक्रम, जिनके नाम छूट जाए क्षमा चाहता हूँ। दूसरी बात, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से गलतियां हुई होगी, अव्यवस्थाएं हुई होगी। गुरुदेव से हम क्षमा भी चाहते हैं उसके लिए, अगर कोई कष्ट हुआ संतों को, गुरुदेव को, तो सभी ट्रस्ट की ओर से क्षमा। केवल इतनी बात कहूंगा कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, कि एक चित्रकार था जो सुंदर चित्र बनाता था, लेकिन उसको हमारे जैसे एक आदत थी कि कोई कमी हो तो बताए। एक बार उसने एक अच्छा चित्र बनाया और एक चौराहे पर रख दिया और एक बोर्ड रख दिया कि इसमें कोई कमी हो तो बताओ। शाम को जब गया तो पूरा बोर्ड कमियों से भर दिया था लोगों ने। उसको बहुत दुख हुआ, हमको भी दुख होता है कभी कभी, हमारे चेहरे पे भी तनाव रहता है कि क्या वो चित्र इतना गलत है कि लोगों ने गलतियां ही गलतियां बताई, पूरा बोर्ड भर गया। वो बहुत उदास था। उसका एक मित्र ने उसकी उदासी कारण पूछा, उसने बोला मुझे तो लगता है कि मैंने चित्र सुंदर बनाया था, लेकिन लोगों ने पूरा बोर्ड भर दिया, इतनी कमियां बताई है, तो मेरा चित्र क्या इतना बुरा है। उसका दोस्त बुद्धिमान था गुरु जी की तरह, उसने कहा एक काम कर, अब एक अगले चौराहे पे इसी चित्र को रखना, एक बोर्ड पुनः रखना और इस पर लिखना कि इसमें कोई कमी हो तो कृपया सुधार कर दे। उसने ऐसा ही किया। शाम को गया तो किसी ने एक पॉइंट भी नहीं लिखा था, क्योंकि कमियां बताना सब जानते हैं, सुधार करना सबके पास बस की बात नहीं है। तो जो सुधार कर सकते हैं, जो काम करते हैं, उनकी कमियां बताने का स्वागत भी है, फिर भी आलोचनाएं होती है। अगर किसी की गलतफहमी हो तो दूर करने का प्रयास करते हैं, उन्हें जानकारी नहीं हो तो बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सब मालूम लेकिन जानबूझकर ही आलोचना करते हैं, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते, केवल उनसे क्षमा मांग सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें पंडाल की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेले की व्यवस्था, मंदिर प्रांगण की व्यवस्था, रसीद कट्टे काटने, दान लेने की व्यवस्था, सोशल मीडिया के, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से प्रचार करने वाले पत्रकार बंधु, ट्रैक्टर से श्रद्धालुओं को लाने वाले, टेंट की व्यवस्था करने वाले, साउंड की व्यवस्था करने वाले, लाइटिंग की व्यवस्था करने वाले, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें सभी दानदाताओं को नाम लेना संभव नहीं, लेकिन कुछ बड़े दान जो मंदिर के लिए मिले हैं, उसमें रामचंद्र जी पटेल कालंका की ओर से 11,000 रुपये, हीरालाल जी पटेल भावसिंहपुरा की ओर से 11,000, विजय बिरला जी डुडगांव की ओर से 11,000 रुपये, शिवशंकर पटेल जो भक्तराज कालू बाबा के भतीजे भी है, वो पहले 5,000 के सदस्य थे, अब उन्होंने 6,000 देके 11,000 की ट्रस्ट की सदस्यता ली है। नामदेव जी पटेल इनकी ओर से 5,000 रुपये, जितेंद्र यादव मिटावल इनकी ओर से 5,000 रुपये, नंद कुमार सिंह जी चौहान जो कल आए थे उनकी ओर से 11,000 रुपये, और अबापुरी से गुप्त दान है 11,000 रुपये। इन सब ने प्रदान किया, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाए। भक्तराज कालू बाबा, भगवान कुचालेश्वर इनकी हर इच्छा और अभिलाषा पूर्ण करे। मंदिर में गुंबज और रेलिंग का कार्य बाकी है, उस रेलिंग के लिए अभी जो रेलिंग बनी है उसमें 15,000 का सहयोग वासुदेव पटेल जो निमाड़ टायर्स खंडवा है उनकी ओर से, और प्रमोद जी पटेल कालंका की ओर से प्रदान किया गया, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाए। आप सभी का धन्यवाद, सबसे ज्यादा धन्यवाद आम जनता का। उमा शंकर जी माता पुत्र से भी 500 रुपये दिए गए। आभार।
सतगुरु साहेब की आरती करो, सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समा साहेब आरती हो, जहाँ सब संत समा सतगुरु संग देव की जय। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ करके तीन बार पूज्य गुरुदेव जी को बंदगी करें। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग जल्दी से जल्दी बैठ जाएं, कोई लोग खड़े ना रहे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सब लोग बैठ जाइए।